देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही पब्लिक के मंच के जरिए सीधे जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। और पब्लिक के मंच में आज कौन कौन जुड़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, आज मेरे साथ इंशा सिद्दीकी नोएडा से जुड़ेंगी, विपिन सिंह वाराणसी से जुड़ेंगे, जितेंद्र द्विवेदी गोंडा से जुड़ेंगे, उमेश भारद्वाज गाजियाबाद से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं आज आपने किस विषय पर बहस देखनी चाहिए है। आज आपने देखना चाहिए है बहस किसने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लोकार्पण तो कर दिया, इस शानदार समारोह के अंदर एयरफोर्स ने करतब दिखाए, बड़े बड़े जो लड़ाकू विमान हैं उनके साथ इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अगले कुछ महीने में चुनाव में जाना है, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थी। लेकिन सियासत इस पर छिड़ गई है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनाया। समाजवादी पार्टी ये क्लेम करती है कि एक्सप्रेसवे उसकी देन है, यानी एक्सप्रेसवे बनाने का काम उसने शुरू किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका लोकार्पण करके ये दावा कर दिया कि 4 साल के अंदर 331 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना लेना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकास से जोड़ा। आज इसी पर बहस करेंगे कि आखिरकार किसने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ और गाजीपुर की दूरी को मात्र 3.5 घंटे के अंदर समेट देता है। इसी पर बात करेंगे, इसी पर बहस करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता होंगे जो ये दावा करते हैं कि एक्सप्रेसवे उनकी देन है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होंगे जो ये कहते हैं कि एक्सप्रेसवे का लोकार्पण तो हमने सबके सामने आज किया है। इसी पर बात होगी, इसी पर बहस होगी, कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज दिन भर का अपडेट। जोने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, वो धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पूर्वांचल की धरती से पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की वायुसेना को समर्पित कर दिया। साथ ही उन्होंने यूपी की पिछली सरकार को साथ न देने की बात कहते हुए विकास में बाधा पहुंचाने वाला बताया। तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा यूपी के लोग, ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 2018 में हुआ था, जिसे केवल 36 महीने में ही यूपी की जनता को सौगात के रूप में सौंप दिया गया। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने परिवारवाद पर जमकर निशाना भी साधा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह ही ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिचम खिचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी जो उद्घाटन किया उन्होंने उसका तो श्रेय सही मानों में समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए था, क्योंकि उनके वक्त में इसकी नींव रखी गई थी। देश की बहस में चर्चा है आखिर जब यूपी में विकास यात्रा एक्सप्रेसवे से साफ देखी जा रही है तो इसके नाम पर सियासत पर ब्रेक कब लगेगा।
तो इसी पर बहस करेंगे, किसने बनाया एक्सप्रेसवे, समाजवादी पार्टी ने कब काम शुरू किया और कब खत्म किया, और अगर खत्म कर दिया था तो अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किस दिन किया। तमाम बातों पर बहस होगी, तमाम बातों पर चर्चा होगी। मैं जल्दी से अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद मैं आपको आज का सवाल बताऊंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे पूर्व संपादक राहुल देव जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ थोड़ी ही देर में प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़ेंगे जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ संजीव सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले आज का सवाल, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के चुनाव में विकास सबसे अहम मुद्दा बनेगा? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी जब चुनाव होते हैं तो विकास का मुद्दा पीछे चला जाता है, बाकी आगे चले जाते हैं। इस पर भी बहस करेंगे, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। आपको पता है वोटिंग के हमारे विकल्प क्या क्या हैं, आप जानते हैं कैसे कैसे वोट देना है, कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो इसमें एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें एक वीडियो रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। शुरुआत डॉक्टर अजीज खान से चलूंगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप लोगों का यह दावा है कि यह एक्सप्रेसवे तो आपने बनाया, किस तारीख को अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया और किस तारीख को उसका लोकार्पण किया और उसकी तारीख क्या थी, और तस्वीरें भी दिखा दीजिए उसकी। देखिए दीपक जी, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं वो भी जानते हैं कि इसका शिलान्यास किसने किया और इसके किसका विजन था और किसका मिशन था। यह समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया। नहीं, आपने लोकार्पण किस दिन किया, लॉन्च किया, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लोकार्पण आपने किस दिन किया डॉक्टर साहब, बताइए ना प्लीज। अरे भाई बात को मौका रखने दें। अरे भाई अगर मैंने शिलान्यास किया है तो लोकार्पण भी करेंगे, जाहिर सी बात है जो शिलान्यास करता वही लोकार्पण करता है। इन्होंने ना शिलान्यास किया और लोकार्पण फर्जी तरीके से कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि आज जल्दबाजी में जिस तरीके से उसका उद्घाटन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के काम का, अगर आप वहां मौके पे अगर देखें दीपक जी, आप मौके पे चल के देखें, मैं तो वहां चल के देखा है मैंने, ये अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आप चलिए शुरुआत करिए तो अगर आप जाएं वहां पे तो अभी काम पूरा आधा अधूरा है, वहां सर्विस लेन नहीं है, यहां तक कि पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप एक तरफ से चढ़ जाएं और पेट्रोल अगर कम है आपके पास तो दूसरी छोर तक जाने के लिए गाड़ी रुक जाएगी। एमिनिटीज नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बाथरूम नहीं है, सिक्योरिटी नॉर्म्स अधूरा है, जिस तरीके से वहां फूड पॉइंट्स नहीं है, अगर छोटे मोटे बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, अगर 400 किलोमीटर का सफर करेगी रास्ते में चाय नहीं पी सकता है। क्या जल्दबाजी थी उद्घाटन की? आखिर जल्दबाजी क्यों? एक साल का वक्त अभी और उसको बनाने में लगता, लेकिन चुनाव चूंकि सर पर है, 10 हफ्ते और चुनाव के बचे हैं। माननीय मोदी जी आज माननीय अखिलेश जी के रैलियों से, उनके विजय रथ यात्रा से घबरा करके जो माथे पर शिकन है वो दिख रहा है साफ साफ। अब जल्दबाजी में उद्घाटन किया जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में अगर इन्होंने काम किया, इन्होंने 7 साल पहले घोषणा किया था बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया था, आखिर उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? कहां कहां बुलेट ट्रेन बनाया? ये अपने संसदीय लोक क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में, यहां तक बनारस में मेट्रो बुलेट तो भूल जाओ आप, मेट्रो नहीं चला पाए। गोरखपुर में बुलेट छोड़ दो आप, मेट्रो नहीं चला पाए। आज सर एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं तो आप मानते हैं ना इसका लोकार्पण आप नहीं कर पाए थे, आपने विजन दिया, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी, लेकिन काम पूरा योगी आदित्यनाथ जी ने किया, ये मानते हैं आप डॉक्टर अजीज खान जी? सर 90% लैंड एक्यूज किया हमने, बाकायदे भूमि अधिग्रहण किया हमने, डीपीआर तैयार। सर भूमि अधिग्रहण कानून के तो विरोध में थे आप, और सब आप तो विरोध में थे इस कानून के जो 2015 में लेके आई थी मोदी सरकार। अरे दीपक जी कहां विरोध में थे, हमने बाकायदे मुआवजा दिया है उसका। मैं आपको बताऊं सबसे कठिन काम होता है भूमि का अधिग्रहण करना, और वो समाजवादी पार्टी ने किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। उनके विजन को देखिए, मिशन को देखिए, पूर्वांचल के लोगों को कितनी मोहब्बत करते हैं वो, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ इनको एक ऐसा एक्सप्रेस वे दिया जाए किसानों को, वहां व्यापारियों को, लोगों को, कि ताकि उनका उद्धार हो सके। आज जबरदस्ती आकर के जिस तरीके से उस पे प्लेन उड़ाया जा रहा है, लड़ाकू विमान उड़ाए जा रहे, सब प्रदर्शनी लगाई जा रही है और इवेंट मैनेज किया जा रहा है। इससे पहले क्या इवेंट नहीं मैनेज किया गया? क्या इससे पहले ये जो तो मतलब आप मान रहे हैं कि इवेंट आज अच्छा हो गया डॉक्टर खान, आप मान रहे हैं कि इवेंट आज अच्छा हो गया, आप ये तो मान रहे हैं ना कि इवेंट चकाचक कर दिया आज प्रधानमंत्री जी ने? अरे ये सब नाटक तो करते रहते हैं सर,
ये नाटक कंपनी है, झूठ कंपनी। अरे सर आप करें वो काम, ये करें नाटक, ये दोहरी बात कैसे हो सकती है ना? सर काम ये बता दे, ये बताएं कोई पांच काम प्रेम शुक्ला जी बता दे जिनका इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया है, बताएं ना। अरे प्रेम शुक्ला जी के, प्रेम शुक्ला जी के शहर से ही आज उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, खुद उनसे ही पूछ लेते हैं। मूलतः मैं अगर गलत नहीं हूँ तो प्रेम शुक्ला जी खुद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी बताइए, वो मान रहे कि लोकार्पण आपने किया, इवेंट कर लिया। अच्छा जी दीपक जी, नहीं 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 कृपा, अब मुझे लगता है अजीज भाई मेरी बात को गंभीरता से बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए सुनेंगे। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में अखिलेश सिंह यादव वही बातें कर रहे हैं जो उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में 2016 में 2017 के चुनाव के दबाव में किया था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में 80% काम पूरा हुआ था जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने लोकार्पण किया था। जिन फैसिलिटी कम्युनिटी सेंटर की बातें कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर जो सुविधाएँ, जन सुविधा केंद्र वहाँ प्रारंभ हुआ है 2018 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। फ्यूल सेंटर वहाँ जो है 2018 में चालू हुआ है, लोकार्पण 2016 का है, सर्विस लेन 2018 में कंप्लीट हुई है। और यहाँ जो है 16 कम जो है जन सुविधा केंद्र आज काम कर रहे हैं। और जिस पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, ये कृपया समझ लीजिए स्थिति, सिर्फ 25% लैंड एक्विजिशन किया गया था अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में। DPR के अनुसार 25% लैंड एक्विजिशन के अनुसार वो EPC कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े सड़क निर्माण परियोजना का नहीं दे सकते, उसके लिए 90% लैंड एक्विजिशन आवश्यक हुआ करता है EPC टेंडर इश्यू करने के पहले। ये 25% पे इन्होंने इश्यू किया था, इनके DPR को बाद में, जिसका ये कहते हैं हमने शिलान्यास कर दिया, उनके DPR को बाद में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी सरकार ने उसका अलाइनमेंट ठीक कराया है। उसमें 3,000 करोड़ रुपए का कॉस्ट कट हुआ सिर्फ जो है अलाइनमेंट ठीक करने से। 90% से अधिक या 100% लैंड का एक्विजिशन किया गया, रिकॉर्ड समय में बनाया गया। उसकी विड्थ जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तुलना में 1 मीटर अतिरिक्त है। उसके सर्विस लेन्स हैं 397 किलोमीटर जो है सर्विस लेन कार्यरत है। तो एक अच्छा हाईवे और समय में, और आप किस बात का श्रेय लेने दौड़ रहे हैं साहब कि आपने जो है एक संकल्पना बनाई और बिना लैंड एक्विजिशन किए सिर्फ टेंडर कमीशन खाने के चक्कर में, क्योंकि CBI की इंक्वायरीज आपके अगेंस्ट पेंडिंग है गोमती रिवर फ्रंट इत्यादि में, और क्या क्या आपने किया है कांग्रेस के कार्यकाल में भी आप पे किस तरह से CBI डंडा दिखाती थी और मुलायम सिंह यादव जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार को समर्थन देने के लिए चुपचाप कतार लगा लेते थे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था परमाणु समझौते के मुद्दे पे, डायरेक्टर CBI की जो है संसद विजिट कराई गई थी कि मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जो घपले घोटाले और बेहिसाबी संपत्ति जो अर्जित की गई है उससे उनको भयभीत किया जाता था, ये हर कोई जानता है। दीपक चौरसिया जी आप भी जानते हैं, श्रीमान अमर सिंह ने बाकायदा इंटरव्यू देकर कहा था कि हमने परमाणु समझौते पर CBI केस के डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस के भय से हमने समर्थन दिया था। और आपने क्या क्या किया है सारा सब भली बात लोग जानते हैं, और कृपा करके जान लीजिए। विकास कार्य सिर्फ आप पूछ रहे थे ना, 461 किलोमीटर 15 वर्षों में 2002 से 2017 तक बना था एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, 641 किलोमीटर सिर्फ 4.5 वर्षों में बन गया साहब। ये हमारा काम करने की गति, हमारी तीव्रता है। कितने लोगों को मुफ्त के मकान आपने दिए थे साहब बता दीजिए, कितनों के शौचालय बनवा दिए थे बता दीजिए, कितनों के घर में बिजली पहुंचा दी थी बता दीजिए। और जिस तरह से बिजली आज हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, आप बता दीजिए ना सफाई के अलावा कहीं बिजली मिलती थी। और श्रीमान अखिलेश सिंह यादव बड़ी बात करते हैं, उनका पार्लियामेंट में जो है अटेंडेंस 37% है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आजमगढ़ कितनी बार गए साहब पिछले 2 वर्षों में, जरा बता दीजिए कि आजमगढ़ कितनी यात्राएं उन्होंने की है। तो साहब जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, एक वंशवाद के कारण सत्ता की प्राप्ति हो गई है और एक जातिवाद का जहर घोलकर समाज को विभाजित करके आप सत्ता पाना चाहते हो, आप विकास पर चर्चा कीजिए ना। हमने पर कैपिटा इनकम 13.5 करोड़। लेकिन मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे पहले राहुल जी, किसको श्रेय देंगे आप इस एक्सप्रेसवे का, अखिलेश यादव जी को या फिर योगी आदित्यनाथ जी को? राहुल सर क्या कहेंगे आप?
दीपक, मैं समझता हूं कि श्रेय तो हम सब जानते हैं, दोनों को ही देना पड़ेगा। आखिर जिसने शुरुआत की उसको श्रेय नहीं दिया जाएगा क्या? ऐसा आपसे ही पूछूं तो मैं, आप इससे इनकार नहीं करेंगे। तो मतलब ये अब अपने देश की राजनीति का ये स्तर हो गया है, या हम लोगों को भी चर्चा का कि अब जिसने शुरुआत की वो दुनिया जानती है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, तो उसका भी हम श्रेय नहीं देना चाहें? उसमें आपने कितने प्रतिशत पूरा किया, कितना नहीं कर पाए, हमने आपसे कम समय में ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है। मोदी सरकार की जो, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है, वो बहुत मानी जाती हैं और बहुत कम समय में, कम लागत में, समय से पहले काम करवाने के वो एक तरह से उस्ताद हैं, और ऐसी बहुत सारे परियोजनाओं में देख सकते हैं। तो निश्चय रूप से इसका उनको श्रेय मिलेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि उसका शुरुआती काम, उसकी जो बुनियाद रखी, वो तो अखिलेश यादव ने रखी। वो भी अधिग्रहण एक बहुत लंबा चलने वाला काम है, सबसे टेढ़ा काम है, सबसे जटिल काम होता है। वो कोई भी ये दावा कर दे कि शत प्रतिशत भूमि वो एक या दो साल में लेकर दे सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो आधार उसका, उसकी नींव पिछली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने कायम की, उस पर तेजी से निर्माण कार्य जो करना था वो इस सरकार को श्रेय देना चाहिए। तो मैं तो दोनों को दूंगा, लेकिन ये बात सही है, माननी चाहिए हमें कि अभी पूरा शत प्रतिशत ये एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हुआ है, बहुत सी चीजें उसमें बाकी हैं, अभी कनेक्टिंग रोड्स का बनना बाकी है, जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं चाहिए वो अब गिना भी दी गई है, मैं उनको दोबारा नहीं यहाँ पे कहूंगा। तो लेकिन एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है, सड़क बन गई है। अब आज जो हुआ उस पर मैं समझता हूँ कि उसका जो राजनीतिक अर्थ है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन जहां तक श्रेय की बात है वो दोनों का है। ठीक है, मैं दूसरे हिस्से में आऊंगा कि क्या विकास के नाम पर वोट पड़ते हैं। लेकिन विनोद जी, मैं यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, 50% अखिलेश जी को, 50% योगी जी को, या थोड़ा आपका परसेंटेज आगे पीछे भी होगा? नहीं, मैं तो राहुल जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, मैं तो तीनों को श्रेय देना चाहूंगा। आप पूछिए तीसरा कौन, मैं मायावती से शुरू करूंगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे की अवधारणा उत्तर प्रदेश में मायावती ने शुरू की। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे जो बना, और उसके बाद अखिलेश जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी, और उसके बाद योगी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। तो मुझे लगता है कि बेहतर होता अगर आप तीनों, दो वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उद्घाटन समारोह में होते, शिलान्यास इसमें लोकार्पण समारोह में, तो अच्छा संदेश जाता उत्तर प्रदेश के विकास का। लेकिन चूंकि चुनाव वर्ष है, और इस चुनाव वर्ष में जो है मेरी कमी ज्यादा सफेद है, इसकी जो होड़ मची हुई है तो जनता भ्रमित हो जाती है इसको लेकर। वैसे आपकी कमी वाकई सफेद है। मुझे दीपक जी, आपको याद होगा और राहुल जी को भी याद होगा कि दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, उसमें अटल जी भी थे, मदनलाल खुराना भी थे, और शीला दीक्षित भी थी। वो दृश्य इतना अच्छा था कि कोई कटुता नहीं थी, और तीनों ने एक दूसरे को श्रेय, मतलब दोनों ने एक दूसरे को श्रेय दिया था कि अवधारणा कहां से आई। अगर उस तरह से होता तो आज शायद बहुत बेहतर स्थिति होती और हम लोग ज्यादा अच्छी बहस कर रहे होते, और विकास अगर चुनाव का मुद्दा बनता है तो इससे बेहतर क्या चीज होती। विनोद जी, मैं कह रहा हूँ वैसे भी आपकी शर्ट बहुत सफेद है, आज अच्छी लग रही है आपकी शर्ट। और राहुल जी बगल में है, वो कंट्रास्ट में है, ब्लैक में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं संजीव जी के पास चलता हूँ। संजीव जी, एक आदमी ने शिलान्यास कर दिया, एक आदमी ने उद्घाटन कर दिया, कांग्रेस का इन सब के बीच में। आपने भी विद्वान पत्रकार हमारे साथियों की बात सुनाई, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने पूर्व नेता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संसद में उस बयान को याद करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये कह दूं कि इसके पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया तो शायद सबसे बड़ा गुनाह होगा। विकास अगर शुरुआत कांग्रेस की मैं करूं तो आजादी के पहले जहां सुई तक नहीं बनती थी कांग्रेस ने वो काम किया। अब विकास की चर्चा आज इवेंट मैनेजमेंट हो गई है। नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करूं तो वाराणसी में जहां आते हैं वो फीता काट अभियान इनका चुनाव के समय शुरू होता है, तो पहली बात वहां ट्रामा सेंटर का उद्घाटन। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में सब कुछ हो गया तो फीता काट दिया। अभी खुद हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि अगर कहा जाए तो मायावती जी का भी इसमें जोड़ना पड़ेगा नाम, अखिलेश यादव जी का नाम, ऐसी चर्चा क्यों नहीं होती? और आज आपके चैनल से देख रहा था प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते हुए क्या कहा कि कांग्रेस ने एक नेता को भुलवा दिया, श्रीपति मिश्र जी का नाम लिया। अच्छी तरह से इनको याद होगा प्रेम शुक्ला जी को कि श्रीपति मिश्र जी का परिवार आज भी कांग्रेस में है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके ही नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कितना उन्होंने मेहनत किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको MLC तक नहीं बनाया, ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भूल जाते हैं।
दूसरी तरफ आज जब ये किसी जात विशेष की चर्चा करते हैं तो उससे मीडिया चर्चा नहीं करता, लेकिन दूसरा दल अगर किसी जात विशेष के नेताओं को जोड़ता है तो आप उसको जात के नाम से जोड़ने लगते हैं। ये किस तरह की गलत बातें जोड़ी जाती हैं, तो इसको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सेट करके अगर चैनलों पर चर्चा चलेंगी तो मुझे लगता है कि विपक्ष के भी मुद्दों को आपको बहस में लाना पड़ेगा। और अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, केशव प्रसाद मौर्य के नाम से पिछड़ों का वोट मांगा गया, हमको आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि योगी आदित्यनाथ चाहे मुख्यमंत्री के तीन में नहीं थे, केशव प्रसाद मौर्य एक बहुमत में विधायकों को लेकर के विरोध कर रहे, पुरानी बात कर रहे हैं संजीव जी, अपने एजेंडे पर आगे बढ़िए ना, इनकी आलोचना करके क्या मिल जाएगा सर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी अभी भी पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता और अभी भी बीजेपी में बने हुए हैं और खुशी बीजेपी में। खैर मैं अगले राउंड के लिए चलूंगा, डॉक्टर अजीज खान के पास मुझे चलना है क्योंकि उनसे मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है डॉक्टर अजीज खान के लिए। लेकिन उससे पहले इंशा सिद्दीकी नोएडा से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। इंशा, आप किसको क्रेडिट देंगी इस एक्सप्रेसवे का? मैं तो अब ये सोच में पड़ गई हूँ कि इस किसको क्रेडिट देना चाहिए। अब इलेक्शन आ रहे हैं यूपी में 2022 में, इसलिए बीजेपी ने आके ये बना दिया एक्सप्रेसवे, या अखिलेश जी को चाहिए ये क्रेडिट कि उन्होंने ये नींव रखी थी तो अब उनको अब क्रेडिट चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि मायावती को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने ये चीज सोचा था। तो ऐसे तो ये हम जो दर्शक हैं, हमें क्या आप दिखा रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स के चक्कर में आप कभी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं, तो ये चीज तो गलत हो गई ना। ठीक है, आपका कहना है कि विकास को विकास के तौर पर देखना चाहिए, वोट बैंक के तौर पर क्या विकास की राजनीति आगे बढ़ेगी। डॉक्टर अजीज खान, मैं आगे जाऊंगा इस पर कि क्या एक्सप्रेसवे बनाने से वोट मिलता है, क्योंकि आपको भी नहीं मिला था 2017 में, आपने योगी जी को गद्दी थमा के दे दी थी। लेकिन आज कम से कम इतना तो मानिए कि चलिए सर 10%, 20%, 30%, 2%, 1%, 0% कुछ क्रेडिट तो दे दीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि वो भी नहीं देंगे आज। देखिए दीपक जी, योगी जी को मैं बिल्कुल क्रेडिट दे रहा हूं, और ये बिल्कुल दे रहा हूं क्योंकि इनकी जो मंशा है रंग बदलने की, नाम बदलने की, साफ समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया, ये सिर्फ नाम बदलना और रंग बदलना, ये बीजेपी का काम रह गया है। एक बात मैं बताऊं जरा, प्रेम शुक्ला जी इन्होंने खर्चे की बात की थी कि कम लगा, मैं वेबसाइट की बात करना चाहूंगा यूपी ईडा का, जो उसके वेबसाइट पे पूरा डिटेल है। जरा मैं उसके खर्चे के बारे में बताऊं कि इन्होंने बचाया बहुत है पैसा। 302 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेसवे बना, उसका खर्चा आया 14,937 करोड़ रुपए, यानी 49 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसका खर्चा आया था। सारी फैसिलिटीज थी, सारी चीजें थी। आज जो ये 340 किलोमीटर बनाया गया है, इसका खर्चा आया 23,349 करोड़ रुपए, यानी 68 करोड़ रुपया पर किलोमीटर, यानी 38% पैसा इसमें ज्यादा लगा। और उसके बावजूद भी जो एमिनिटीज है, जो फैसिलिटीज है, यहां तक कि जो मीडियन इंडियन रोड कांग्रेस का है, मिनिमम 12 मीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 22 मीटर, वो 5.5 मीटर किया गया। तमाम कमियों के बाद अब दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, जो आगरा एक्सप्रेसवे का कितना प्रदेश में, क्या आगरा एक्सप्रेसवे का कितना है, क्यों 12 मीटर नहीं बनवा दिया? आगरा एक्सप्रेसवे का कितना बता दीजिए? 22 मीटर, 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर टेक्निकल, 4.5 मीटर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। आप बोलिए, सिर्फ आपको हस्तक्षेप करके फैक्ट करेक्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को तारीफ करो, वोट दो, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा था, अरे भैया अटल जी नहीं हुए होते ना तो मुलायम सिंह यादव बनवा लेते। प्रदेश के सरकार जो सड़कों का गड्ढा नहीं भर पाई, वो एक्सप्रेसवे क्या बनाएगी? आप बताइए, कोई 5 काम पहले भी मैंने पूछा था। आज आप नाम बदल रहे इकाना स्टेडियम का, आपने नाम बदला डायन 100 का, 112 कर दिया साहब। दूसरों के नाम का फीता काटना, कानपुर में मेट्रो का फीता आपने काट दिया साहब। आपने कानपुर में मेट्रो बनाया था क्या? आपने लखनऊ में मेट्रो बनाया था क्या? आप बनारस में तो मेट्रो बना नहीं पाए, गोरखपुर में मेट्रो बना नहीं पाए। अरे साहब, आप कोई काम करते नहीं है, सिर्फ फीता काटना, लोकार्पण करना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, काम बताइए ना, रंग बदलना। डॉक्टर साहब, अगर इतने बढ़िया काम किए थे तो हार क्यों गए 2017 में? 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, इतने बढ़िया आपने काम किए थे तो हार क्यों गए 2017 में, ये भी बता दीजिए।
दीपक जी, हार जीत के पीछे एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये होता रहता है, जनता है। अगर इनको बहुत ही उम्मीद के साथ जनता ने माइंडेड दिया था, लेकिन जनता को धोखा दिया, इन्होंने बरगलाया, आज जनता बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है इनसे। ये जो तो समय का चक्र है, आज ये थे कल हम आएंगे, ये हालात बदलते रहते, इसमें अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है। दीपक जी इस बात को समझिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका तो काम है राम राम जपना पराया माल अपना। बताए ना 4.5 साल में कहा कितने बुलेट ट्रेन का इन्होंने उद्घाटन किया, कितने मेट्रो का उद्घाटन किया, बताइए ना जो इन्होंने काम किया था। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से आप ही का सवाल प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लेते हैं जी। अब ये इधर उधर की बातें करेंगे अभी। देखिए, हमने विकास कार्य इतना जबरदस्त किया है कि यहाँ पर दो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। विकास के मानकों को तय करते समय आर्थिक व्यवस्था में पर कैपिटा इनकम को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है अर्थव्यवस्था में। उत्तर प्रदेश एक अकेला राज्य है, 4.5 वर्ष में पर कैपिटा इनकम डबल कर दिया। ये पर कैपिटा इनकम, अरे विकास की बात कर रहे ना, इसको क्या कहते हैं, वो काम नहीं कहते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ा देना। मैं तो आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम वो काम नहीं समझते आप। ये तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ समझा। अब मैं भैंस के आगे कितना बीन बजाऊं सरकार। कक्षा 6 में एक मुहावरा पढ़ा था मैंने, एक कहावत पढ़ी थी, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुरा। यही कहना पड़ेगा। एक मुहावरा कक्षा 6 में पढ़ाया है, कांग्रेस के सरकार के दौरान जो पाठ्यक्रम मैंने पढ़ा, जब मैं जिस पाठ्यक्रम से मैंने कक्षा 6 पास किया, उस पाठ्यक्रम में भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए, यह कहावत पढ़ाई गई है। ये कहावत आप पर लागू करने का मेरा प्रयास है। मैं आपको भैंस नहीं कह रहा हूँ, मेरा भैंस से कोई विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि आप जो हैं, जो सत्य है उसको नहीं स्वीकार। अब आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो मेट्रो की परिकल्पना लखनऊ के लिए अटल जी ने लाई, फंड एलोकेशन अटल जी ने किया। आपने अटल जी को कब श्रेय दिया मुझे बताइए? अटल जी की तस्वीर लगवा के, अटल जी के प्रतिनिधि लालजी टंडन को बुला के आपने कब कौन सा कार्यक्रम करवाया समाजवादी पार्टी का? सुश्री मायावती को आपने किस कार्यक्रम में बुलाया बताइए ना? और आदरणीय विनोद जी और आदरणीय राहुल जी, सुन लीजिए ना, आपके टाइम बिल्कुल खामोश रहे, सुन लीजिए। ये बुलेट ट्रेन पे अटक गए। क्या है ना, ये बुलेट बाबा है ना, हर गली में इनके लोग बुलेट लेके टहल रहे थे और इतना बुलेट चलवा दी थी इन्होंने, कहीं 100 मर जाएं, कहीं 150 मर जाएं, कहीं मुजफ्फरनगर दंगा हो जाए, बुलेट बहुत चलाई है साहब आपने, हम जानते हैं। हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, काम चल रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, गति के हिसाब से द्रुत गति में हो रहा है, चिंता ना करें। हमने कहीं नहीं चलाया, हम बिल्कुल नहीं चलाते, आपकी मंशा नहीं पूरी करेंगे, आपकी मंशा पूरी ही नहीं करेंगे सर, कहीं नहीं चलाया आज तक। ये मुलायम सिंह यादव कार्यकाल में चलती थी, अरे अभी चलाया हमारे कार्यकाल में, पहले चलाया पूरे देश में, आदरणीय यादव भी चलाया करते थे, कारसेवकों पर चला देते थे निर्दोष, मुसलमानों को खुश करने के लिए, अरे आप लोग कहते तो और राम भक्तों को मार देते। हम जानते हैं राम भक्तों की हत्या करने के कारण ही डॉक्टर अजीज खान को मुलायम सिंह यादव में श्रद्धा आई है। लीजिए, अरे भाई राम भक्तों, अरे मैं तो बताने को तैयार हूँ, आप सुनिए ना, अभी एक उद्घाटन कर दिया तो आप छाती पीट रहे हो, देश देख रहा है। अरे मैं तो शुरू का सवाल का जवाब नहीं है दीपक जी, अब भाई साहब डॉक्टर साहब सुन लीजिए ना, कंक्लूड करने दीजिए ना उनको, मैं आपके पास आऊंगा, अभी हमारे पास एक घंटा और है बहस का, खूब बोलने का वक्त मिलेगा डॉक्टर खान साहब, आपको कभी कम बोलने दूं ऐसा नहीं हुआ है। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। एक तो इस तरह से जो तर्क दिए जा रहे हैं, नरसिंह राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल की योजनाओं में कांग्रेस की कालांतर की सरकारों ने कभी नरसिंह राव का नाम भाषण में भी नहीं लिया। नरसिंह राव का 24 अकबर रोड में जो है वो उनकी पार्थिव तक नहीं लाने दी। तो जो लोगों की इतनी उज्ज्वल परंपरा है वो ये बता रहे, ये कह रहे हैं कि श्रीपति मिश्र जी के पुत्र जो है वो कांग्रेस में नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी में है। रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता राकेश मिश्र जी ने ग्रहण की। हम चूंकि सुल्तानपुर को समझते हैं, जानते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं लोगों से, तो वहाँ उनका जो अपमान है वो, इसका आदरणीय मोदी जी ने जिक्र किया, वो सुल्तानपुर का हर व्यक्ति जानता है
कि जो उस कालनेम स्थल के लिए बिजेथुआ महावीरन के उन्होंने विकास का कार्य किया, ये उनके लिए दंड का हो गया कारण, क्योंकि कोई राम का नाम ले, हनुमान का नाम ले ले तो खराब लगेगा, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह सुलेमान का नाम ले सकते थे, वहाँ की नीतियाँ इस तरह की थी, तो उस नीतियों को आपने चलाया, तो इसलिए आपको कालनेमी का जहाँ वध किया बिजेथुआ महावीरन ने, उस हनुमान के स्थल का विकास के लिए चूंकि पंडित श्रीपति मिश्र जी ने विशेष प्रावधान किया, यह तत्कालीन सरकार की आंखों को अच्छा नहीं लगा, ये तो हम जानते हैं भाई, आप यही सब सेक्युलरिज्म हुआ करता था किसी जमाने में, कि आपने इफ्तार करो लेकिन राम राम मत जपो, क्योंकि राम तो काल्पनिक है, सिर्फ अल्लाह अकबर जपो तो ठीक है, सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा, राम का नाम ले लिया सांप्रदायिक हो जाएंगे, इस दौर को भोगा है इस देश ने, उस दौर से मुक्ति का दौर चल रहा है, तो ऐसे में पीड़ा तो होनी है, अब विकास कार्य पर कैपिटल इनकम डबल हो जाना ये विकास नहीं है, जीडीपी डबल हो जाना ये विकास नहीं है, अगर मैं सिर्फ परियोजनाएं गिराने बैठ जाऊं तो आधा घंटा परियोजनाएं गिराऊंगा और तब भी नहीं पूरा होगा, इतना कार्य किया है, जितना लोगों के भाई 43 लाख लोगों को मकान बना के दे दिया समाजवादी ने, कितने लोगों को मकान दिया था बता दें, कितने लोगों के घर में बिजली दी थी समाजवादी ने मुफ्त में, जरा बता दें आप, संख्या हो कोई बता दें, हम तो शौचालय की संख्या बता रहे हैं, बिजली की संख्या बता रहे हैं, गैस की संख्या बता रहे हैं, और किसी की जात नहीं, और हम अकेली पार्टी हैं जिसका नारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, हमने विकास के आधार पर जनता से जनादेश प्राप्त किया है, हमने जात के आधार पर नहीं प्राप्त किया, मजहबी तुष्टिकरण के आधार पर नहीं प्राप्त किया, हम विकास के आधार पर प्राप्त करते हैं और विकास करेंगे, जिसको मजहबी राजनीति करनी हो वो करे, मजहबी राजनीति कोई करेगा तो उसका उत्तर देने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हम देते रहेंगे। ठीक है, मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलूंगा, वाराणसी से विपिन सिंह मेरे साथ जुड़ गए, विपिन सिंह जी किसको श्रेय देंगे, समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को? देखिए, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महज एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये पूर्वांचल के लोगों, पूर्वांचल के औद्योगिक राजनीतिक सामाजिक हर तरफ के विकास की तरफ बढ़ाता है ये एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे एक गंगा है, एक विकास की गंगा है, और इस गंगा का नाम ही एक्सप्रेसवे है, और देखिए श्रेय देना न देना ये पूरे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है, इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इसका श्रेय जाता है, जो महज तीन सालों में इस कार्य को पूर्ण करके जो उनकी दक्षता को ये प्रमाणित करता है कि ये सरकार किस तरह से चल रही है, ये सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी उत्तर प्रदेश के इस पिछड़े भाग में इस पूर्वांचल के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया, आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्यान दे रहे हैं इस प्रदेश के इस पूर्वी भाग की जो पिछड़ापन था उसको दूर करने का काम कर रहे हैं, तो न जाने क्यों लोगों को कष्ट हो रहा है, मुझे किसी को श्रेय नहीं देना है, इसका श्रेय महज केवल इस देश के मुख्य प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को देना है, जिन्होंने इस पूर्वांचल के लोगों की ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया विपिन सिंह जी, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन मैं सीधे चलूंगा राहुल सर के पास, राहुल सर मुझे बताइए 2007 से 12 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे बना, मायावती जी 2012 में सत्ता में नहीं आ पाई वापस, और 2012 में अखिलेश यादव आ गए, 2017 तक उन्होंने लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी सत्ता से उतर गए और योगी आदित्यनाथ जी आ गए, क्या विकास के नाम पर बनने वाले एक्सप्रेसवे या विकास वाकई वोट दिलाते हैं आपके लिहाज से? अब ये तो थोड़ा शोध का विषय है, हर जगह मतलब इस पर कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है ना, हो सकते हैं केवल अनुमान लगा सकते हैं आप, तो अनुमान 5% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि चुनाव दरअसल जो जीते जाते हैं वो तो भावनाओं पर, जाति पर, वर्गों पर, उनके हितों का संरक्षण करने पर, और कुछ बहुत बड़े कुछ राष्ट्रीय किस्म के मुद्दे आ जाएं उन पर लड़े और जीते जाते हैं। तो विकास पर अगर बहस होनी होती तो फिर देखना पड़ेगा, आज भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि फिर अमेठी और रायबरेली को अगर ले लें, आज यहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, जहां से देश के सबसे बड़े नेता आते रहे, प्रधानमंत्री आते रहे, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ फिर भी वो जीतते रहे। आप अगर बिहार को देख लें तो वहां पर 15 साल में जो हुआ विकास या अविकास, उसके बावजूद 15 साल लगातार एक छत्र जीत होती रही, तो ये विकास दरअसल एक बहुत ही दावे करने के लिए अच्छी चीज है,
विकास की जरूरत भी है। अब आज इसी बहस में हम लोग अगर ये बात कर रहे होते, हमारे सारे माननीय प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं पार्टियों के, कि इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचल को क्या और किस तरह से लाभ होगा, कितनी तरह के लाभ होंगे, उसकी क्या योजना है, इसका लाभ उठाने की योजना सरकार की क्या है, केवल एक्सप्रेसवे बना देने से, सड़क बनाने से ही तो विकास नहीं आ जाएगा, वो गाड़ी तो है नहीं, तो इसके साथ एक पूरा संरचना, एक पूरी ढांचा बनाना होता है, एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है और एक सामाजिक व्यवस्था भी होती है। यमुना एक्सप्रेस वे जब बना, आप मैं नहीं जानता कि उस पर क्या आंकड़े हैं, लेकिन आमतौर पर धारणा यही है और मेरी भी धारणा यह है कि उससे कोई उसके आसपास के 100 किलोमीटर क्षेत्र का कोई बड़ा औद्योगिक विकास हो गया, कोई नया निवेश आ गए, नए कारखाने लग गए, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो है ये भी एक तरह की बुनियाद है, सड़क बन गई, एक्सप्रेस वे बन गया, उससे आवागमन आसान हो सकता है, सामान का आना जाना बढ़ सकता है, लेकिन वो सबका, उससे सबको लाभ होगा। लेकिन अब ये एक्सप्रेस वे भी जो इस तरह के हमारे बन रहे हैं, इससे तो केवल जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं या जो केवल बड़ी गाड़ियां किराए पर ले सकते हैं उनके लिए आसान होगा, इस पर आम गरीब यात्री के लिए चलना मुश्किल होगा, केवल उसमें सामान आ जा सकता है। तो उसके बहुत से पक्ष हैं, तो मैं समझता हूँ आपकी बात का जवाब दे चुका हूँ, आप उसको 5 से 15-20% से ज्यादा का श्रेय विकास के कामों को चुनाव जीतने में नहीं दे सकते। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद सर, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर वोट डलवा पाएगा? आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण पुराने अनुभवों को देखिए। मैं अभी तक राहुल जी मुझसे वरिष्ठ हैं, लेकिन मैंने जितने भी चुनाव अभी तक देखे हैं बतौर पत्रकार और उसके पहले बिना पत्रकारिता से पहले, चुनाव हमेशा इस देश में 1952 से लेकर के और 2019 तक भावनात्मक मुद्दों पर ही लड़े गए और जीते गए हैं। विकास जो है उसमें एक सपोर्टिव, मतलब एक सहयोगात्मक भूमिका अदा करता है हमेशा। आप देखिए कि विकास के मामले में जो है, मैं एक बार बैठा हुआ था लखनऊ में, जितेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के, तो वो माथा पकड़ करके मुझसे बोले विनोद जी मैं क्या करूं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर चुनाव वोट मांगती है और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है जाति के नाम पर वोट मांगती है, हम विकास की बात करते हैं, हम पिछड़ते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो कांग्रेस सरकार के जमाने के विकास के कार्य गिनाते थे। नरेंद्र तिवारी विकास पुरुष थे उत्तर प्रदेश के, राहुल जी जानते हैं, बहुत बड़ा बहुत काम किया दोनों जमाने में, लेकिन वो चुनाव हार गए 1989 में उनके सामने। तो आखिरकार आप देखें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ये सब चीजें जो है एक दिखाने के लिए, शोकेस के लिए तो ठीक रहेंगी कि भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया, वो योजना शुरू हो गई, बिजली दे दी गई, मकान बन गए, लेकिन असली चुनाव जो है उसका वो भावनात्मक मुद्दों पर ही होगा। हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और जाति जो पिछड़ों का मुद्दा है उसको समाजवादी पार्टी लेकर चलेगी, ये मेरा मानना है, और भावनात्मक मुद्दे ही वोट दिलाते हैं। इसलिए विकास जो है बहुत अच्छी चीज है, हम लोग तो इस बात को बराबर बहस करते रहते हैं। अभी चुनाव जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की जो लड़ाई है, ये भी तो भावनात्मक मुद्दा ही बन रहा है ना, कि हमने शुरू किया, आपने शुरू किया, हमें चिंता है चुनाव की। नहीं तो जो मैंने पहले कहा कि भाई अगर आप तीनों होते, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, तो कितनी बढ़िया छवि बनती उत्तर प्रदेश की। लेकिन क्योंकि विकास तो एक रिले रेस की तरह है कि जो पहले बैटन लेके चलता है और आखिर में जो बैटन पहुंचाता है वो चारों खिलाड़ियों की जो है कश्रेय होता है। तो कोई भी विकास हो देश का, सतत प्रक्रिया है वो, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री का विकास पे योगदान है। इसी तरह गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक उत्तर प्रदेश के विकास में जैसा भी जो विकास है सबका अपना योगदान है। लेकिन चूंकि चुनाव है, श्रेय लेना है, भावनात्मक रूप से जो है लोगों के करीब जाना है। अब पूर्वांचल की बात हो रही है, मायावती ने बलिया से लेकर के और नोएडा तक गंगा एक्सप्रेसवे की अवधारणा दी थी, बाकायदा उसके लिए भूमि अधिग्रहण के नोटिस अधिसूचनाएं जारी हो गई थी और बड़ा उत्साह था। आप सोचिए अगर नोएडा यानी यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर से लेकर के और गंगा के किनारे किनारे 12 लेन का जो एक्सप्रेसवे था, गंगा एक्सप्रेसवे मूल, अगर वो योजना कार्यान्वित हो गई होती तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होती। लेकिन उसको तत्कालीन राजनीतिक नेताओं ने पर्यावरण की आड़ में किसानों के नाम पर उसके नाम पर उसको कानूनी लड़ाई में उलझा दिया और वो रह गई। बाद में योगी जी जो पूर्वा जो गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना लाए वो उसी अवधारणा का एक आधा हिस्सा है जो
मेरठ से और इलाहाबाद तक का प्रयागराज तक का के लिए है। तो ऐसा नहीं है, राजनीति विकास के नाम पर बहुत हो रही है, विकास हो रहा है, लेकिन अगर विकास के नाम पर राजनीति के बजाय सरकारें निरंतर रूप से जो है निरंतरता के साथ काम करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बात करूं, अपनी जो पूरी करूंगा। अभी 2007 में मायावती जब आई और यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण उन्होंने कराया, उद्घाटन किसने किया? अखिलेश जी ने। उसके बाद अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, बहुत जल्द उन्होंने तुरंत लोकार्पण कर दिया, जैसे आज लोकार्पण योगी जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, वैसे ही जल्दी जल्दी सारा काम करके जो अभी प्रेम शुक्ला बता रहे थे और अजीज खान साहब उनके बारे में बता रहे हैं, लोकार्पण किया। मेट्रो लखनऊ की अखिलेश जी के समय शुरू हुई, लेकिन उसका उद्घाटन जो है योगी जी ने किया। कानपुर की मेट्रो अखिलेश जी के समय उसकी अवधारणा शुरू हुई, उद्घाटन योगी जी कर रहे हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है भाई, इसलिए जो है हमें लगता है कम से कम राहुल जी या हमारे जैसे लोगों को, तो हम लोग तो यही कहते हैं हम तो इसका श्रेय सबको देंगे जिसने शुरुआत की, जिसने आगे बढ़ाया और जिसने पूरा किया और जो मेंटेन भी करता है, वो भी देखने वाली बात होगी। मेरे साथ नया पैनल जुड़ चुका है, डॉक्टर अजीज खान साहब बने हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और मेरे साथ साधना भारती जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तक तो ऐसा लगा है कि चाय में अदरक की तरह होता है विकास के नाम पर वोट, तो ये चाय का जो प्याला 2022 का बनेगा उसमें एक्सप्रेसवे अदरक की तरह तो नहीं हो जाएगा? मेरी राम राम सबको। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से विपक्ष और खासतौर से मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बात करूं, उछल रहा है, चिढ़ रहा है, बेचैनी है, वो अपने आप में सिद्ध करता है कि जिस संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में बनी थी उसने वो कर दिखाया है। संकल्प, ये जो आज मैं एक्सप्रेसवे की बात करती हूँ तो ये संकल्प का प्रतिबिंब है, आधुनिककरण जो हम उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं उसका प्रतिबिंब है, ये उन सब लोगों के मेहनत का नतीजा है, चाहे वो किसान जिनसे भूमि अधिग्रहित की गई या वो मजदूर जिन्होंने सड़क बनाने में अपनी खून पसीना लगाया, पूरी टीम मैं कहती हूँ, जो एक एक व्यक्ति जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस एक्सप्रेसवे को शुरू कराने में, आज ये उन सबको मैं कहूँगी कि समर्पित करती हूँ आज का दिन, और ये हम सब के लिए एक गौरव का दिन है। ये एक ऐसा आधुनिक एक्सप्रेसवे बना है, ये जो श्रेय की दौड़ लगा रहे हैं, इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई श्रेय का कौन सा गेम खेलना चाहते हो अखिलेश यादव जी। ये जो एक्सप्रेसवे बना है, सरकारें आती जाती रहती हैं, कल आपकी थी आज हमारी है, परसों किसी और की हो सकती है, क्योंकि कल जो आने वाला कल है ना उसमें तो हमारी ही सरकार आ रही है। तो सीधी सी बात है, ये जनता के पैसे से, मेहनत के पैसे से, जो वो टैक्स देती है उससे ये एक्सप्रेसवे बना है। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होती है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, चाहे मैं केंद्र सरकार के विषय में कहूँ, चाहे मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के विषय में कहूँ। ये 2018 यानी कि जुलाई 2018 में इसका पुनः शिलान्यास कराना पड़ा, क्योंकि हमने देखा था कि 2016 में जब अखिलेश यादव जी ने बहुत आनन फानन में इसका शिलान्यास किया था, और सिंपली ये पेपर पे था, फाइल पे था, कुछ भी नहीं, 25% लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुआ था और टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए थे, इसलिए सब कुछ स्क्रैप आउट करके जुलाई 2018 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका दोबारा शिलान्यास किया और रिकॉर्ड टाइम में ये पूरा होकर हो गया है। और आप इमेजिन करिए, मतलब ये तो एयर स्ट्रिप तो बनी बनी है 3.5 किलोमीटर की यहाँ पे, जो कि पूरे देश में तकरीबन 100 इस तरीके की 100 एयर स्ट्रिप्स बनेंगी, क्योंकि ये मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी रिलेटेड है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग मैं देख रही हूँ कि समाजवादी पार्टी कर रही है, मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशी में ये अपनी खुशी नहीं देखना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं कि इस प्रकार का एक्सप्रेसवे हमें मिल गया है कि लखनऊ से गाजीपुर हम 3.5 घंटे में उसकी दूरी पूरी कर लेंगे, गाजीपुर से दिल्ली हम 10 घंटे में आ जाएंगे। आज वो लोग खुश हैं कि दोनों साइड जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे, 60 लाख से ज़्यादा वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो लोग ट्रेंड हो उसके लिए, ITI वगैरह भी वहाँ पे पूरा एस्टेब्लिशमेंट होगा। आप इमेजिन करिए, सोच कर देखिए कितना ज़्यादा वहाँ का डेवलपमेंट होगा। पूर्वांचल से 5-5 प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, परंतु क्या इन लोगों ने किसी ने भी सोचा पूर्वांचल के बारे में? आजमगढ़ ठीक है, आतंकगढ़ ठीक है, इसी सवाल को साधना भारती जी के पास लेकर आता हूं। साधना भारती जी, पूर्वांचल तो कांग्रेस का कर्म क्षेत्र रहा है,
लेकिन 2021 क्यों लग गए? लखनऊ से बलिया तक का एक्सप्रेसवे बनते या लखनऊ से गाजीपुर तक का एक्सप्रेसवे बनते? आदरणीय दीपक जी, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है कोई एक्सप्रेसवे बनाए, कोई हिंदुस्तान का पहला एक्सप्रेसवे नहीं है, हिंदुस्तान में एक्सप्रेसवे बने हैं और हिंदुस्तान की प्रगति को गति मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। परंतु उस पर इतना राजनीतिकरण, इतना श्रेय लेने की कह रही हैं आदरणीय अनिला जी लड़ाई। अरे लड़ाई तो आप में है कि हमने बना दिया, हमने बना दिया, हमने बना दिया। मैं पूछ रही हूँ, आपने अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात की, तो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति तब कहाँ चली जाती है जब किसी बेटी को न्याय दिलाना होता है? राजनीतिक इच्छा शक्ति तब कहाँ चली जाती है जब एक वाल्मीकि, चाहे वो अरुण वाल्मीकि हो, चाहे वो मायाराम लोधी, जिनकी मैंने कई बार आपके सामने सवाल किया, आप कभी जवाब नहीं देती, जब उनकी हत्या की जाती है, उनको न्याय दिलाने की बात होती है, तब इच्छा शक्ति कहाँ चली जाती है? और सबसे बड़ी बात, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति मात्र चुनाव से 3 महीने पहले क्यों जागती है आपकी? विगत 4 वर्षों में जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, मैं तो यही कहूंगी कि देश में और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई की मोदी मार है, और उत्तर प्रदेश में मात्र इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइंस बनाने वालों की योगी सरकार है, ये मात्र इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं। अब अगर आप सवाल का जवाब देना चाहती हैं अनिला जी, तो अपने समय में दीजिएगा। आप ये बताइए कि आपने कहा कि हम तो इच्छा शक्ति की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये हो गया, पहले कभी हुआ ही नहीं। अरे चाहे वो जिस एरिया की आप बात करिए, वह ITI की बात हो, चाहे जगदीशपुर के BHEL की बात हो, वो सब कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने जिन जिन योजनाओं को लाया, आपने उन्हीं योजनाओं को चलाया, चाहे वो मनरेगा, चाहे वो कोई भी योजना रही हो, पहले आपने विरोध किया और बाद में आप उसी के पक्षधर बनकर सामने आ गए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप अभी एक पैनलिस्ट और हैं आदरणीय, उन्होंने ये कहा कि भावनाओं से, भावनाओं पर चुनाव होता है। बिल्कुल, हमारा देश तो भावनाओं से ओतप्रोत है, भावनाओं पर चुनाव होना चाहिए, परंतु भावनाएं भड़का कर चुनाव नहीं होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, उन्होंने ये कहा, भगवान राम की बलदियत पर सवाल उठा दिया, माता कौशल्या और दशरथ की बलदियत पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है। अब मैं पूछती हूँ कि ये भावनाओं को भड़काने वाले और भगवान राम का अपमान करने वालों के साथ इनका गठबंधन जारी रहेगा क्या? बस हाँ या ना? ठीक है, मैं संगीत रागी जी के पास चलता हूँ एक क्विक सवाल के लिए। संगीत रागी जी, आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते हैं, डीयू में, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या विकास भारतीय चुनावी राजनीति में चाय में अदरक की तरह ही रहेगा? दीपक जी, मैंने राहुल जी को भी सुना और दूसरे पैनलिस्ट को भी सुना। विकास भी क्या भावनात्मक मुद्दा नहीं हो सकता है? मेरे घर में काम करने वाली महिला से मैंने पूछा कि तुम किसको चुनाव में वोट दोगे, तो उसने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी। मैंने फिर सवाल पूछा, क्यों वोट दोगी? मुझे घर मिला है, मुझे शौचालय मिला है, हमारी बहू बेटियां शाम के अंधेरे होने का तलाश करती थीं, तब हम अपने शौचालय के लिए जाते थे। तो ये क्या भावनात्मक मुद्दा नहीं है? किसी घर की बेटी को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्या ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि हम जब आकलन करते हैं चुनावों का, तो देखिए किसी भी चुनाव को जब आप जीतते हैं तो उसका एक एंकर बिंदु होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि वही उसके आपके 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 जो आपका जो चुनाव का एक ढंग से वो लीड करता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। गंगा का पानी जब इतना विशालकाय रूप लेता है, तो उसमें सिर्फ गंगा का जो 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 हरिद्वार से चला हुआ पानी था वही, और ऋषिकेश और ऊपर से चला हुआ पानी था वही नहीं था, बीच में बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो बहुत सारे नदियों का प्रवाह। मैं इसी सवाल को लेकर जितेंद्र द्विवेदी के पास गोंडा चलता हूं, मेरे दर्शक हैं, मुझे ब्रेक भी लेना है। जितेंद्र, क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे आप? नहीं, देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से पूर्वांचल का तो विकास हुआ होगा, क्योंकि पूर्वांचल हमेशा ही निग्लेक्टेड रहा है, यहाँ औद्योगिक चीजें नहीं हो पाती हैं, खास करके दो ही चीजों पे, एक तो सड़कें नहीं है, कोई इंडस्ट्री इधर नहीं आती है पूर्वांचल में, क्योंकि सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, ये दो चीजें जो सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया सरकार ने, ये बहुत ही अच्छी चीज है, और ये इससे पूर्वांचल का विकास होगा, पलायन भी रुकेगा, कि फैक्ट्रियां आएंगी तो पलायन रुकेगा,
ठीक है, आप कह रहे हैं फैक्ट्री आएंगी तो पलायन रुकेगा, और किसी ने सही कहा है, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है क्योंकि ये विकसित है, इसलिए यहां पर सड़कें हैं, विकसित इसलिए है क्योंकि यहां पर सड़कें हैं, इसलिए अमेरिका विकसित है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, और सड़कें कई तरह की उन्नति का द्वार खोलती हैं, इसी पर बात करेंगे। लेकिन विकास कितना बड़ा मुद्दा होगा 2022 में, इस पर हमारी चर्चा ब्रेक के बाद जारी रहेगी। देश की बहस में हम बात कर रहे हैं किसने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। समाजवादी पार्टी का दावा है कि ये उसका काम है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है पूरा तो हमने किया। इसी पर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इस पर भी बात कर रहे हैं कि क्या विकास के आधार पर क्या देश में कभी वोट पड़ेंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे पूर्व संपादक राहुल देव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट साधना भारती जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, और डॉक्टर अजीज खान है स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अजीज खान जी, तैयारी बहुत है अनिला सिंह जी की और उनकी पार्टी की, देख लीजिए कड़ी टक्कर होने वाली है, आप तैयार हो जाइए। बिल्कुल, आपको इसी तरह से हर बॉल पे सिक्सर मारने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या करेंगे आपके बैट्समैन तब? देखिए दीपक जी, दो बातें मैं सुन रहा था, अनिला जी को भी मैंने सुना और संगीत रागी जी को भी सुना। इन्होंने कहा था विकास की गंगा बह गई है उत्तर प्रदेश में, और ये बिल्कुल सच है। मैं एडमिट भी कर रहा हूं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर बैठकर अब चलने लगे हैं, पूरी तरह से खुशहाली आ गई है पूरे प्रदेश में। अरे ये बता तो दें कि 7 साल पहले वायदा किया था कि 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कहां गए? 100 स्मार्ट सिटी कहां गए? आपके वहां बनारस में तो सब वहां नौका विहार वहां चल रहा है, वहां पे बारिश में तो पानी उफान आता है, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहां गए सब? देखिए ये धोखा देना बंद करिए। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कहा था 6 एम्स बनाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज देंगे, 70 लाख नौकरी देंगे, सरकारी स्कूल कॉलेजों का आधुनिकीकरण करेंगे, सब 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाएंगे। बने कहां ये साहब? हिंदुस्तान में बने हैं कि कहीं और बन गए, नेपाल में चले गए? देखिए एक बात समझिए आप, धोखा देना बीजेपी बंद करें। ये जो झूठ की पार्टी है ना, जो झूठ बोलने की जो परंपरा बीजेपी में है, ये खत्म होनी चाहिए। और अगर वाकई में विकास की बात करनी है तो विकास करनी चाहिए, लेकिन इनको बहुत ही उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको वोट दिया था, लेकिन जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया। तो जनता आज बहुत अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कोई ये काम, 5 काम अभी अनिला सिंह जी भी आई है, इससे पहले प्रेम शुक्ला जी को मैंने पूछा था, वो बता नहीं पाए, वो चले गए, ये नहीं बता पाएंगी कि जिस काम का इन्होंने शिलान्यास किया है और उसका उद्घाटन भी किया हो। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम का नाम बदलते हैं, उसके बाद रंग बदलते हैं और काम करते हैं, उसके बाद उसका शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन का उद्घाटन। अभी आप देखिए, थोड़े दिन पहले इन्होंने कानपुर में उद्घाटन कर दिया साहब, मेट्रो का उद्घाटन कर दिया, सैमसंग मोबाइल का नोएडा में उद्घाटन कर दिया। अरे साहब, उद्घाटन करने से आपका आपके आपकी बुराई नहीं छिपने वाली। आप काम क्या करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है। आज आपने काम किया, विकास किया, मैं मानता हूं क्या विकास किया आपने, जो 100 रुपए में खाने का तेल मिलता था वो 200 रुपए में हो गया। आज पेट्रोल और डीजल की स्थिति क्या है? आज महंगाई चरम पे है। एक आम आदमी अगर रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहे तो सिलेंडर 2 गुना कमर्शियल हो गया है, 900 का 2000 हो गया है। सब एक आम आदमी, गरीब आदमी खाना कैसे खाएगा? डॉक्टर साहब, नया भाषण लिखवाइए, बड़ा पुराना हो गया है। अरे साहब, नया लिखवाइए 2022 के लिए कुछ। अरे सुनिए, इसी पे देश चल रहा है दीपक जी। इन्होंने देश से धोखा किया है, देश को बर्बाद कर दिया, सारी जितनी संस्थाएं थी। ठीक है अनिला सिंह जी, 5 काम गिना दीजिए आप। ये ढोंग रचा रहे हैं, इवेंट मैनेज करके ढोंग रचा रहे हैं। सर, जो दिखता है वही बिकता है, इनकी बात ये समझना पड़ेगा, इसीलिए आप साइकिल चला रहे हैं अभी। जी देखिए, कल से दीपक जी, कल से जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ लोगों का व्यवहार देख रही हूँ, तो एक गाना है ना कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो हम तो विकास के रास्ते से जा रहे थे, लोगों को सुविधाएं दे रहे थे, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मुझे तो वही गाना याद आ रहा है इनको देखने के बाद। क्या मतलब क्या है कि हम इसका नाम बदल देंगे, जब हम आएंगे हम इसका नाम समाजवादी एक्सप्रेसवे रख देंगे। भैया क्या बात है, पूरा प्रदेश गिरवी रखकर अपने झोली में डाल लोगे? माना कि आप लोग डायनाक्रेसी में बिलीव करते हो, डायनाक्रेट्स हो, आप लोगों को तश्तरी में पूरी की पूरी पूरी राजनीति मिल गई है। स्टेडियम को बदला, अरे इकाना स्टेडियम के नाम को बदला या नहीं बदला, बताइए ना।
आपके बीच में नहीं बोली थी भाई दीपक, आपकी खिसियाहट दिखाई दे रही है आज जिस प्रकार से, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए साहब, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, नहीं शांत रहिए, तमाशा बना के रखा हुआ है आपका अध्यक्ष, ऐसा है जो कि कोविड को ये कहता है कि कोविड की वैक्सीन जो है भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, लोगों मत लगवाओ, किस बुद्धि का अध्यक्ष है आपका, आज जो है सड़कों का चौड़ीकरण से लेकर मेडिकल कॉलेजेस जो है हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, 59 मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, दो दो एम्स लेकर आए, अंचल का, पूर्वांचल का शोषण करने वाले लोग आज हमको बता रहे हैं कि पूर्वांचल में क्या काम किया, अरे मैं तो 10 काम बताऊंगी, बताइए आजमगढ़ में क्या काम करवाया अखिलेश यादव ने, केवल और केवल शफाई महोत्सव के अलावा उनका क्या अचीवमेंट रहा है, एक एक्सप्रेस वे बनाया, हम क्रेडिट नहीं ले रहे उसका, एक्सप्रेस वे आपने बनाया बिल्कुल आप नीचे, मेट्रो स्टेशन जो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं ना, चाहे वो नोएडा से हो, लखनऊ में हो, हाल फिलहाल में कानपुर में दिखाई देंगे, वो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से है साहब, चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर जगह हमारी सरकार ने काम किया है, योगी की झोली से ना विकास निकलता है, और आपके आपके यहाँ से आपके जो भोगी अध्यक्ष है ना, भोगियों का काम क्या होता है कि दूसरों को भी लूट लो और अपना घर भर लो, तो भोगी और योगी में ये अंतर है, योगी से कुछ सीखो, योगी से कुछ सीखो, योगी से कुछ सीखो और अपने अध्यक्ष को बोलिए दूसरों, ये रोने से कुछ नहीं होगा, काम करोगे तो नाम होगा, काम करोगे तो नाम होगा, ठीक है, मेरे दर्शन जुड़ चुके हैं उमेश भारद्वाज गाजियाबाद से, उमेश जी बताइए आप किसको श्रेय देंगे जो आज एक्सप्रेस वे बना है उसका? सर मैं पूरा का पूरा श्रेय इसका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूंगा, कारण यह है कि सपने बहुत लोग देखते हैं, सपने साकार कौन करता मायने ये रखता है, माना कि अखिलेश जी ने कोई सपना देखा लेकिन साकार भारतीय जनता पार्टी ने किया, दूसरा अभी मैं एक सुन रहा था डॉक्टर साहब को कि साहब समाजवादी पार्टी ने ये किया, अगर आपने विकास किया था तो हम लोगों ने आपको नकार दिया, और अगर आप आगे भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं करेगी तो हम उनको नकार देंगे, ये तो आपको अभी चुनाव में पता चल जाएगा कौन किसको स्वीकार करता है किसको नहीं स्वीकार करता है, आप बैठने वाले ये कौन होते हैं, करने वाले ये कहने वाले कौन होते हैं, एक तरफ आप कहते हैं प्रजातंत्र, आप प्रजा की तो कोई सुनता ही नहीं है, आप अपनी अपनी कह देते हैं साहब हमने ये विकास किया हमने वो विकास किया, हमें लगेगा कि आपने विकास किया, जनता को लगेगा कि आपने आप विकास कर रहे थे और हम आप भटके, हम आप ठीक है, मैं सीधे साधना के पास चलता हूँ, साधना समाजवादी पार्टी ये क्लेम कर रही है भाई उद्घाटन तो हमने किया था, बीजेपी ये कह रही है शिलान्यास तो हमने लोकार्पण तो हमने किया, आपके पास देने के लिए क्या है जनता को? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी तो करते नहीं है कि हमने रिकॉर्ड टाइम में ये कर दिया, अरे रिकॉर्ड टाइम में किसानों का कर्जा तो माफ किया नहीं है आपने, उत्तर प्रदेश में वादा किया था इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, नहीं किया, गन्ना किसानों का जो बकाया है वो दे देंगे वो भी नहीं दिया, ना तो मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, अरे मेडिकल के 4500 पद है जिसमें से अभी तक 3600 खाली पड़े हैं, ये जानकारी होनी चाहिए इनको, और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के सारी मेडिकल आपकी कितनी फैसिलिटी है सब पोल खुली है, उसके बाद गंगा के किनारे हिंदू धर्म के विरुद्ध लाशों को दफनाते हुए हमने देखा है, और उसके बाद भगवान राम का अपमान करने वाले निशांत जी के साथ अभी तक गठबंधन करके बैठे हैं, तो ये हिंदुत्व का ढोल पीटना बंद कर दीजिए और भगवान राम के पीछे छिपकर वोट मांगना भी बंद कर दीजिए, अब आपकी कलई खुल गई है। दूसरी बात, विकास की जब बात की जाती है, अरे आपने एक्सप्रेस वे तो दे दिया, उस पर चल तो सकते हैं मगर रोटी और रोजगार नहीं मिलेगा ना एक्सप्रेस वे देने से मात्र, रोटी और रोजगार के लिए आपने कुछ नहीं किया, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि आजादी के बाद पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया, अब तो राजस्थान में भी हमने कम कर दिया पेट्रोल डीजल, अभी अनिल सिंह जी बताएं कि इनके नेता कहते थे 35 रुपए लीटर बिकेगा पेट्रोल डीजल, तो वो कब बिकेगा ये तो बता दें जरा हमें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जब विकास की बात करते हैं, अरे आपका विकास मान लेते हैं अगर हाथरस के अंदर एक बेटी को आधी रात में उसके शव को जला दिया गया, डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम मानते हैं विकास जब मायाराम लोधी के परिवार को न्याय मिलता जिसने एक महिला बीडीसी की रक्षा करने के लिए आ गया है, तो आप ही की पार्टी के भाजपा के गुंडों ने उसे पीट पीट कर मार डाला, हम मान लेते अभी कासगंज के एक युवक को पुलिस हिरासत में मार दिया गया और पुलिस हास्यास्पद बयान देते हुए कह रही है कि 2 फुट ऊंची टोटी पर उसने अपनी जैकेट की डोरी से फांसी लगा ली, ये न्याय है, ये न्याय व्यवस्था है, ठीक आप कहते थे एंटोरोमैन, ठीक है, मैं एक क्विक कमेंट मेरे तीनों वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट से लेता हूं, मैं शुरुआत विनोद जी से करता हूं, विनोद जी
2022 का चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? तीनों से, राहुल जी से, संगीत जी प्रोफेसर साहब से और राहुल सर से, तीनों से यही सवाल आपको, आपका आकलन आज की तारीख में क्या कहता है? देखिए, आकलन तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुख्य रूप से होगा। कांग्रेस और बीएसपी अपने अपने पॉकेट में कुछ थोड़ा बहुत जो है अपने तरीके से कोशिश करेंगे कुछ सीटें जीतने की, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से भी दोनों के बीच में होगी। और इसीलिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो विवाद है, आप देखिए भाजपा और सपा के बीच में ही है, क्योंकि यही दोनों मेजर प्लेयर है। लेकिन विकास में मैं एक बात बता दूं दीपक जी, उत्तर प्रदेश के विकास का इस समय सबसे बड़ा पैमाना नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नोएडा की परिकल्पना किसने की थी। मुझे लगता है इस पैनल में शायद राहुल जी को पता हो या कुछ लोगों को पता होगा, मैं किसी की ज्ञान पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन संजय गांधी ने की थी इसी परिकल्पना और नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज नोएडा जो है शोकेस बना हुआ है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के विकास का। तो विकास के काम ऐसे ही होते हैं। ये जो डीएनडी है, ठीक है, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे जो है, इसकी परिकल्पना और ये किसके समय हुआ किसी को याद ही नहीं होगा, जिसकी वजह से नोएडा का पूरा फेस चेंज हो गया, चेहरा बदल गया। ये रमेश भंडारी जब राष्ट्रपति शासन था उत्तर प्रदेश में, तब उनकी परिकल्पना थी और रमेश भंडारी ने इसको इसकी संस्तुति की थी। और उनके साथ हमें भी आश्चर्य था, हमें लखनऊ में था कि ये कैसे टोल टैक्स वाला कौन सा पुल बन जाएगा, लेकिन उसने पूरे नोएडा का चेहरा बदल दिया। तो विकास के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वाकई जब होते हैं तो उनसे क्षेत्रों का विकास होता है। जवाब आपका और संगीत रागी जी, मैं कह रहा हूँ आखिरकार मैं समझता हूं कि एक चीज तो अभी स्पष्ट दिख रही है कि जिसे हम कहते हैं पलड़ा भारी होना, तो वो इस समय भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन ये उम्मीद नहीं है किसी को भी, कम से कम मुझे नहीं है कि पिछली बार का जो उनका उनकी संख्या थी वो उसको बराबर रख पाएंगे। लेकिन अगर 250 के आसपास उनकी सीटें रहती हैं तो ये भी एक अच्छी श्रेय की बात होगी, क्योंकि उसी एक पिच को बनाए रखना ये किसी पार्टी के लिए संभव नहीं होता। ठीक है, प्रोफेसर रागी की अभी ठीक है, चलिए देखिए दीपक जी, जो जहाँ कहीं भी उत्तर प्रदेश में जो इस बार चुनाव होने वाला है, मुझे लगता है कि चतुष्कोणीय संघर्ष होने वाला है, राजनीतिक संघर्ष, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का रास्ता आसान करता है। वो ऐसी फैक्टर के आने से कांग्रेस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तीनों को अलग अलग लड़ने से मुझे लगता है कि इसका नुकसान इन्हीं पार्टियों को होने वाला है और भारतीय ठीक है। मैं यहीं पर रुकूंगा, चलते चलते मैं बता दूं देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं, क्या विकास सबसे अहम मुद्दा होगा। 70% दर्शकों का मानना है हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरें का सिलसिला लगातार जारी है, ब्रेक के बाद भी।